आज हम जो भी लोग टेंथ क्लास से, जो भी बच्चे टेंथ क्लास से इलेवेंथ में आते हैं और ट्वेल्थ क्लास के बच्चे भी हैं, तो केमिस्ट्री का एक बेसिक टॉपिक हम ले रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट, जो फिजिकल केमिस्ट्री और न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आपको इस टॉपिक के बारे में जान लेना है कि ये सारे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या फिजिकल केमिस्ट्री हो, सभी चैप्टर्स के अंदर ये यूनिट यूनिवर्सली काम में आएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। नाउ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज मोल। तो मोल इज नथिंग, मोल वेट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, मींस वेट को आप मोल में चेंज कर सकते हैं। मोल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, मींस नंबर को आप मोल में चेंज कर सकते हैं। मोल वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, मींस वॉल्यूम को आप मोल में चेंज कर सकते हैं, राइट। तो मोल जैसे आप कहते हैं डजन में 12 होते हैं, जैसे आप कहते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक बंडल है, मान लीजिए राइट, उसमें इतना है, तो सिमिलरली मोल भी एक एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का एक कलेक्शन है एक्चुअली, राइट। तो हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले दो बातों को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज मोल और फिर हम कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मोल जितने भी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे उसमें वेट, नंबर या वॉल्यूम की जगह हम मोल्स को लेने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इसको सिंपल यूनिट्स से कंपेयर करूं तो मैं मोल को सबसे बिगेस्ट यूनिट में मान सकता हूं, वो अभी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मालूम चलेगा। तो आज इस पहले स्टेप में आपको मालूम चल गया कि व्हाट इज मोल। अगर मैं बोलता हूं वन मोल ऑफ ऑक्सीजन, इट मींस वो एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन है, वो एक पर्टिकुलर वेट है, वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम उतना जब वॉल्यूम होगा तो उसको हम मोल बोलेंगे, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल एक साइंटिस्ट हुआ एवोगेड्रोस, तो एवोगेड्रोस ने बताया कि 6.022 × 10⁻²³ अगर पार्टिकल से, अगर एटम से, अगर मॉलिक्यूल से, दिस इज इक्वल टू वन मोल। इसी तरह से 22.4 लीटर अगर किसी गैस का है या कोई भी चीज है तो वो इक्वल टू वन मोल है। तो आप समझ चुके हो, अगर किसी का भी एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया हुआ है तो डेट इज इक्वल टू वन मोल, राइट। तो सबसे पहले मोल की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज मोल। तो यू कैन एक्सप्लेन मोल इज नथिंग, इट मे बी वेट, इट मे बी नंबर और वॉल्यूम। ये वेट हो सकता है, नंबर हो सकता है या वॉल्यूम हो सकता है, इसी कारण हम इसको एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर नंबर जब होगा तो उसको मोल बोलेंगे, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा तो उसको मोल बोलेंगे, एक एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट होगा तो उसको मोल कहेंगे, राइट। अब देखिए चेंज कैसे होता है, न्यूमेरिकल हम बाद में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी वेट दिया हुआ है, मैंने आपसे कहा कि मोल एक बड़ी यूनिट है। अब जरा सा थिंकिंग करिए, आप सिंपल क्या करते थे, If you want to change grams into moles, आप ग्राम को मोल में चेंज करना चाहते हैं, आप क्या करते थे, ग्राम छोटी यूनिट थी, राइट, किलोग्राम, अच्छा ग्राम को किलोग्राम में, और सिंपल करते हैं, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करते हो, ग्राम इज स्मॉल यूनिट, किलोग्राम इज बिग यूनिट, आप क्या करते थे 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते थे, डिवाइडेड बाय 1000, 1000 by 1000 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। इट मीन्स आप जब भी किसी बड़ी छोटी यूनिट से आप बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, और जब भी कभी आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते थे, आपको 1 मीटर दिया हुआ है, आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है, दिस 1 × 100 cm बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू 100 cm, तो वो 100 cm हो गया। तो पहले चेंजिंग आपको आज बताते, फिर इसकी यूज बताएंगे, एप्लीकेशंस बताएंगे। तो देखिए वेट कोई भी दिया हुआ है, कोई भी एटम है, मॉलिक्यूल है, गैस है, कंपाउंड है, व्हाटएवर गिवन टू यू, जो भी कुछ दिया गया है, अगर आप इसको मोल में चेंज करना चाहते हैं, मोल इज रिप्रेजेंट बाय एन, तो आपको डिवाइड करना है, अगर एटम है तो बाय एटॉमिक वेट, और मॉलिक्यूल है तो बाय मॉलिक्यूलर वेट।
तो वेट अगर ग्राम्स में दिया गया है एंड इफ यू वांट टू चेंज दिस इनटू मोल तो आपको क्या करना है, उसको एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना है तो आपको मोल मिल जाएगा। लेकिन रिवर्स अगर मोल दिया हुआ है और अगर आपको वेट चाहिए तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगेन एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट से। चलो प्रैक्टिकली देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दिया है मान लीजिए 34 ग्राम अमोनिया, यू हैव प्रोवाइडेड 34 ग्राम अमोनिया। अब आपको इसको मोल में चेंज करना है तो डेफिनेटली आपको इसको डिवाइड करना है किससे, 17 से, बिकॉज अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट होता है 17, नाइट्रोजन इज 14 एंड हाइड्रोजन इज 3, 17, तो दिस इज इक्वल टू 2 मोल। और अगर इस मोल को अगेन आपको चेंज करना है ग्राम में तो फिर इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 17 से, राइट? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि इफ यू प्रोवाइडेड ग्राम तो आप कैसे मोल में चेंज करेंगे और मोल तो कैसे आप ग्राम में चेंज करेंगे। अब किसी न्यूमेरिकल में आता है कि आपको 5 मोल दिया है, 6 मोल दिया है, 2.4 मोल दिया, तो नंबर कितना होगा? तो नंबर के लिए एक बात याद रखिए, एवोगेड्रो नंबर 6.022 × 10⁻²³ एनटीपी। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी गैस मॉलिक्यूल कुछ भी हो, 1 मोल के अंदर इतना पार्टिकल्स होगा, मे बी एटम और मॉलिक्यूल। तो मोल को मल्टीप्लाई करिए तो आपको नंबर मिलेगा और नंबर को डिवाइड करेंगे 6.02 × 10⁻²³ से तो आपको मोल मिलेगा। इट मींस अगर 2 मोल ऑक्सीजन दिया है तो 2 को आप इससे मल्टीप्लाई करिए तो आपको नंबर मिलेगा और जो नंबर आता है उसको अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपको मोल मिलेगा। नाउ अब वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम कोई भी दिया हो, 700 ml, 800 ml, किसी भी गैस का, आप उसको 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे तो आपको मोल मिलेगा। और 2.4 कोई भी मोल दिया हो किसी भी गैस का तो उसके 22.4 से आप एनटीपी पे करेंगे तो आपको वॉल्यूम मिलेगा, प्रोवाइडेड कंडीशन नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए। इट मींस आप वेट को मोल में, मोल को वेट में, मोल को नंबर में, नंबर को मोल में, मोल को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को मोल में चेंज कर सकते हैं। अब आपको वेट दिया है और नंबर निकालना है तो सिंपल सा है, वेट दिया हुआ है तो पहले आप कहां जाएंगे बोलिए, मोल पे। डिवाइड किससे करेंगे, एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट से। और फिर मोल को आप इस नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाए, आपको क्या मिल जाएगा, नंबर। इट मींस आप वेट से मोल पे जा सकते हैं, वॉल्यूम से मोल पे जा सकते हैं, मोल से नंबर पे जा सकते हैं, नंबर से मोल पे जा सकते हैं, वेट से नंबर पे आ सकते हैं, नंबर से वॉल्यूम पे आ सकते हैं, वॉल्यूम से वेट पे आ सकते हैं। तो ये एक मास्टर डायग्राम है। सबसे पहले आपको इस मोल कॉन्सेप्ट के प्राइमरी लेक्चर के अंदर आपको इस पे फोकस करना है और कुछ न्यूमेरिकल्स करके आपको देखने पड़ेंगे जो आप प्रॉब्लम शीट के अंदर आप कर सकते हैं। बहुत सारी बुक्स हैं और हमारी प्रॉब्लम शीट भी हैं। तो कोई भी इसमें आपको सिंपल मैथमेटिक्स काम में लेनी है और पहले लेवल पर आपको समझना है कि हमको कैसे एक दूसरे के अंदर चेंज करेंगे। नंबर दिया हुआ है और आपको इसका वॉल्यूम के इतने नंबर वाले का वॉल्यूम क्या होगा, ऑक्सीजन का इतना नंबर है तो कितना वॉल्यूम होगा, पहले आप इससे डिवाइड करिए जो दिया हुआ नंबर है उसको तो आप मोल पे पहुंच जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करिए 22.4 से तो आप वॉल्यूम पर पहुंच जाएंगे। ये मोल कॉन्सेप्ट के अंदर जो प्राइमरी लेवल पर है वो आपको ये चीज आनी चाहिए तो आप बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करिए और हमारे जो नेक्स्ट मोल कॉन्सेप्ट पे वीडियो है वो आपको लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।